हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जेल में 126 बंदी कोरोना पॉजिटिव। जेल परिसर को बनाया कोविड केयर सेंटर। जिला प्रशासन, पुलिस व चिकित्सा प्रशासन अलर्ट। पूरे देश में इन दिनों कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में राजस्थान के बाड़मेर जिले में बुधवार को कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट जारी हुई है। चिकित्सा विभाग द्वारा जेल में 189 बंदियों के सैंपल लिए थे, जिसमें से 126 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। बाड़मेर में पहली बार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा एक साथ 100 के पार पहुंचा है। एक साथ आए इतने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बाद जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया और बाड़मेर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, CMHO तथा कई प्रशासनिक अधिकारी बुधवार सुबह जेल परिसर पहुंचे तथा वहां की व्यवस्थाएं देखी और कोरोना पॉजिटिव बंदियों की संख्या ज्यादा होने के कारण तथा सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए जेल परिसर को ही कोविड केयर सेंटर में बना दिया गया। बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्वा मीना ने कहा कि कोरोना एडवाइजरी के तहत पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। जेल में दूसरे बंदियों को अलग कर दिया गया है। वहीं अब आगे आने वाले बंदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कराया जाएगा और पॉजिटिव मरीजों के लिए 3 डॉक्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि जेल में सबसे पहले हाल में न्यायिक हिरासत में भेजे गए 4 बंदी पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद सभी बंदियों के सैंपल लिए गए, जिसमें 126 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बता दें कि बाड़मेर जेल में स्थान सीमितता के कारण सभी बंदियों में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य एडवाइजरी का पालन नहीं हो पाया और कॉमन शौचालय तथा भोजन कक्ष होने के कारण सभी बंदी एक दूसरे के संपर्क में आए और संक्रमण फैल गया। जिला कलेक्टर ने ये भी कहा कि इसको लेकर भी हमने जेल प्रशासन को अवगत कराया है कि कोरोना एडवाइजरी का पूरा पालन किया जाए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए विश्राम मीना, जिला कलेक्टर बाड़मेर, ने ये कहा, सारे जो बंदी और कैदी है उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए पूरे जेल परिसर को बहुत ही अच्छे तरीके से सैनिटाइज कराया गया है और बेसिकली जो बंदी अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो कोरोना बचाव के बुनियादी सिद्धांत है, मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का और निरंतर हाथ धोने का जो है उसकी पालना ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे, आज समुचित रूप से इस बात के जो जो कोरोना बचाव के जो बुनियादी सिद्धांत है उनकी पालना के लिए भी समझाइश की गई और सभी लोगों को कोरोना के खतरे से अवगत कराया गया। सभी ने निश्चित रूप से इसमें सहयोग करने का एक आश्वासन दिया है और जेल में व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार के लिए एक अधिकारी की जो टीम है वो भी नामित की गई है जो समय समय पर विजिट करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी कोई भी पेशेंट ऐसी कोई खतरनाक स्थिति में नहीं है, सबका ट्रीटमेंट वही कोविड केयर सेंटर स्थापित करके वहां का जो मेडिकल टीम हमने जो गठित की है उसके माध्यम से उनका जो ट्रीटमेंट है वो सुनिश्चित किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।